सभा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी वजह क्या है कि विपक्ष जो है वो जाकर हंगामा करता है और सरकार जो है वो हाउस दिन भर के लिए एडजर्न कर देती है। अब हमारी ये सोच बन गई है और हम ये बात मानते हैं कि लोकसभा का अधिवेशन जो है वो जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो तकरीबन 200 करोड़ रुपए लगते हैं एक लोकसभा का अधिवेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसमें 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कभी होता है। उसमें ये 200 करोड़ रुपए में से हमने कितना क्या हासिल किए हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम रोज़ जाते हैं इस उम्मीद से कि हम सरकार से सवाल उठाएंगे, लेकिन अब हमारी ये समझ हो चुकी है कि कहीं मेन जो विपक्षी दल है जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जिसमें टीएमसी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, ये सभी लोगों ने कहीं गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर ली, इनका साठगांठ तो नहीं हो गया है कि हम अंदर आएंगे चिल्लाएंगे और तुम्हारा काम है कि तुम बंद कर देना करके। क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है ये लोकसभा नहीं चलने देने के लिए तो वो नरेंद्र मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। वरना कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा कि लोकसभा के अंदर सरकार को ऐसे मुद्दे हैं कि उजड़ के रख सकते हैं, जिसके अंदर पेगासस का मुद्दा, जिसके तहत सरकार जो है वो आपके फ़ोन को सिर्फ टैप नहीं कर रही है बल्कि हैक कर रही है, और कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि आप फ़ोन को हैक करें। टैपिंग अलाउड है कानूनन अगर देश की सुरक्षा का मुद्दा है, ये कोर्ट को आपको कन्विंस करना पड़ता है कि ये बंदा फला फला बंदा जो है ये देश के लिए खतरा है, ये देश के खिलाफ काम कर रहा है और इसका फ़ोन टैप करना ज़रूरी है, तब है तो इजाज़त मिलती है। लेकिन सरकार ने कई हज़ार लोगों के, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल है और हम भी शामिल है, यानी कि पत्रकार भी शामिल है और जो राजनीति के अंदर उनके विरोधी है, उनके फ़ोन को भी हैक किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार कर, इसराइल की जो कंपनी है उसने साफ कहा है कि हमने अपने जो हमारे करीब के जो देश है उनकी सरकारों को हमने बेचे हैं, यानी इसराइल के करीब का देश उसने खुद ने बेचने वाले ने कहा कि मैंने सामान जो है वो हिंदुस्तानी सरकार को बेचा है करके। है कि मोदी साहब आइए पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर आपका दायित्व है कि हम 550 MPs आते हैं वहां पर, आप आके हैं तो 2 मिनट के लिए बोल दीजिएगा कि आपने खरीदे नहीं खरीदे हैं करके, अगर खरीदे हैं तो किन किन लोगों के ऊपर इस्तेमाल किए हैं करके। तो ना वो आ रहे हैं, ना वो हमारा सामना कर रहे हैं, ना मुकाबला कर रहे हैं, ना हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, सिर्फ मन की बात के लिए है तो टीवी रेडियो के सामने चले जाते हैं। मन की बात बहुत सुन चुके हैं, अब हमारी जो बात है उसका जवाब दीजिएगा करके, ये एक मुद्दा हो गया है। दूसरा ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ चली गई है। हम जो नारा सुनते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल अगर 150 पे भी चले गया तो भक्त जो है वो खुश रहेंगे कि नहीं 150 के अंदर हुआ तो क्या हुआ है करके, उसमें हम मर रहे थोड़ी है। इसमें पेट्रोल डीजल का एक मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, कोरोना के अंदर जो सरकार का फेलियर है जिसकी वजह से आज भी मेरे हिसाब से औरंगाबाद के अंदर हम 80% भी आबादी को हमारी हम वैक्सीन नहीं दे सके हैं, जबकि 80 मुल्कों के अंदर हमने हमारी जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है हमने प्रोवाइड कर दिए है, सिर्फ आपको अपने अहंकार बचाए रखने के लिए कि देखो मैंने बनाया ये वैक्सीन कर। अरे मेरे देश का नागरिक को पहले दीजिएगा, वो लाइन में खड़ा है, वो वैक्सीन लेने के लिए तड़प रहा है और आप है तो कहते हैं कि सब चीज़ बराबर नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर लाशों को हमने तैरते हुए देखा है, कोई विदेश की एक सरकार कहती है कि पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम हुआ है तो योगी सरकार ने किया है करके, मतलब ये कैसा लोगों को। फिर दूसरा ये है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, कंपनीज बंद हो रही है, इकोनॉमी बंद हो रही है, आज भी अगर देखा जाए तो कोरोना औरंगाबाद में घूम रहा है, संडे के दिन है करके, संडे के दिन निकलता है वो। बाकी मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, दिल्ली के अंदर मॉल चालू है, दिल्ली के अंदर होटल चालू है, दिल्ली के अंदर पूरे कार्यक्रम चालू है, इलेक्शन के कार्यक्रम हम लेके आ रहे हैं वहां पर दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में वायरस नहीं जा रहा है, औरंगाबाद में अभी भी है। और औरंगाबाद में इसलिए है कि औरंगाबाद की जो जनता है वो मरी हुई जनता है, वो मुर्दा कहते हैं नहीं क्या कि हम जिंदा है सिर्फ शरीर से, हमारा अंदर का जमीन लड़ने की ताकत पूरी खत्म हो चुकी है, हम सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते। सरकार ने कहा 4 बजे बंद करो तो बंद कर दे, इतनी कमजोर मैंने संगठन व्यापारियों की नहीं देखा होगा कि जो कहते हैं कि 4 बजे बंद कर दो, हाँ 4 बजे बंद कर देंगे,
साहब उनसे पूछिएगा कि दूसरे उसमें क्यों चालू है फिर, आप दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों के अंदर कैसा चालू है, तेलंगाना के अंदर कैसा चालू है, गुजरात के अंदर कैसा चालू है, फिर संडे के दिन है तो क्या लॉजिक है करके। खैर इस मुद्दे के ऊपर हमने बहुत चर्चा कर चुके हैं, उसमें मैं सिर्फ शुरुआती तौर के ऊपर आपको ये बताना चाहता था। दस का मकसद एक ये है कि मैं औरंगाबाद के लिए बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए आया कि अभी दो दिन पहले नितिन गडकरी साहब जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके साथ हमने एक मीटिंग लगाई थी जिसके अंदर मैं था, नितिन गडकरी साहब थे, जिसकी तस्वीर है तो अभी आपके मीडिया ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वो मीडिया ग्रुप के ऊपर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जो नेशनल हाईवे के जो अधिकारी है वो लोग भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और बेसिक मकसद यही था कि मैंने लास्ट टाइम जैसा आपको बताया था कि गडकरी साहब ने खुद ने तो औरंगाबाद के अंदर ये घोषणा करी थी कि हम आपको 300-350 करोड़ रुपये देंगे जालना रोड के लिए, दिए तक वो अमाउंट कितने के ऊपर आके सुपड़ गई थी, तो 72 करोड़ के ऊपर सुपड़ गई थी, सिर्फ 72 करोड़ रुपये दिए और कहा कि जालना रोड का पूरा काम किया जाएगा करके। अब उसमें क्या काम किया जा रहा है मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन उसका हमने एक रिव्यू के लिए है तो हमने मीटिंग रखे थे, और उस मीटिंग का मकसद ये था कि एक फ्लाईओवर जो है वो एयरपोर्ट के सामने बनाया जा रहा है, जिसका मैंने विरोध किया, और उसके बाद है तो मैंने तमाम लोक प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि आप लोग भी इसका विरोध करें, और तमाम लोक प्रतिनिधियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो, सेना के हो, सभी ने लिखित रूप के अंदर दिया कि हमको वहाँ पर नहीं चाहिए, हमको आकाशवाणी के पास दीजिएगा या हमको अमरबीर चौक के सामने फ्लाईओवर दीजिएगा। तो इसका रिव्यू मीटिंग हमने वहाँ पर लगाए थे, और उस रिव्यू मीटिंग के अंदर फिर हमने, मैंने जब पूरा डिटेल के अंदर है तो गडकरी साहब को ये समझाया कि साहब आप हैं तो अहमदनगर को एक फुल फ्लाईओवर दे रहे हैं, तो शहर से शुरुआत होती है और शहर के बाहर ले जाके छोड़ते हैं, कई किलोमीटर का लंबा है तो फ्लाईओवर है, आपने नासिक को ये फ्लाईओवर दिए, आपने पूना को ये फ्लाईओवर दिए, आपने नागपुर में ढेर सारे फ्लाईओवर दिए, औरंगाबाद आते आते ही क्यों ऐसा होता है कि हमको ऐसा यहाँ से चढ़ना पड़ता है, फिर उतरना पड़ता है, फिर चढ़ना पड़ता है, फिर उतरना पड़ता है, अब ये कंजूसी से हमारे को क्यों, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मुझे ये बताना है कि गडकरी साहब ने उस मीटिंग के अंदर ये बात कही, तुम जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे जो औरंगाबाद के जितने भी लोक प्रतिनिधि थे या है, इन्होंने कभी है तो विजन को सामने रखकर है तो काम नहीं किया, ये गडकरी साहब के शब्द है कि उन्होंने कभी भी मतलब अपने शहर के विकास के लिए क्या फायदेमंद चीज रहेंगी करके ये उन्होंने कभी सोचा नहीं है करके। वरना अगर उसी टाइम के ऊपर अगर मुझे एक फ्लाईओवर मानते तो मैं अगर अहमदनगर को दे रहा हूँ, दूसरे शहरों को दे रहा हूँ, तो औरंगाबाद को भी दिया होता। अब हमारे पास दिक्कत ये हो गई है कि जालना रोड के ऊपर हमारे 3 फ्लाईओवर्स हो गए हैं। हमने गडकरी साहब के ऊपर जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, गडकरी साहब ने माना है कि अब हम जालना रोड के जितने भी फ्लाईओवर्स हैं इसको इंटरकनेक्ट करेंगे, और इंटरकनेक्ट करके हम कम से कम जो एयरपोर्ट से फ्लाईओवर स्टार्ट होगा वो हम प्रिंट्रोवल तक लेके आएंगे, एक फुल फ्लाईओवर। जो एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर है उसके लिए है तो जब टेक्निकल लोगों ने उनको ये बताया कि सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये है करके, तो उन्होंने कहा कि मैंने जितना स्टडी किया हो उससे है तो ये पॉसिबल है कि हम जो फ्लाईओवर का जो नीचा हिस्सा होता है उसको हम कट करेंगे और वहीं से फ्लाईओवर एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कि अगर ऐसा फ्लाईओवर है और उतार यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो ये जितना सेक्शन है इसको काटा जाएगा और उसको वन पीस है तो जोड़ा जाएगा करके।